शुभोदय बच्चों, आज हम देखेंगे कि वर्षा ऋतु में पर्वत प्रांत में किस तरह का वहाँ पर नेचर था, इसके बारे में दो पद हो चुके थे। अभी हम देखेंगे तीसरा पद। देखिए तीसरे पद में देखिए, गिरी का गौरव गाकर झर झर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लाड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे निरव नभ पर अनिवेश अटल कुछ चिंता पर। माने यहाँ पर पेड़ झरने जैसे कैसे किस तरह से गिरने हैं गिर रहे हैं, झरने ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मोतियों के लड़ों के जैसे समान दिख रहे हैं, और है ना पेड़ जो है कुछ कहने के लिए कुछ संकोच से वह ऊपर देख रहे हैं, गिरिवर उठ उठ कर ऊपर देख रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अभी अर्थ के रूप में चलेंगे। गिरी का गौरव गा कर झर झर मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरी, गिरी माने क्या है पहाड़, गिरी का अर्थ क्या है पहाड़ पर्वत, माने यह पर्यायवाची शब्द है। मद, मद माने मस्ती, माने बहुत ही आनंद से, बहुत ही आनंद से मस्ती से। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, माने यहाँ पर झरते माने यहाँ पर क्या है बहना, माने फ्लोज, बहना माने गिर रहे हैं। झाग, झाग माने फेन, माने जो फोम रहता है ना उसको बोलते हैं, फोम निकलता है जैसे पानी एक ही बार फोर्स के साथ जब नीचे गिरता है तो ऐसे लगता है जैसे फोम के जैसा लगता है ना, उसी को बोलते हैं, फोम के जैसा लगता है ना उसी को बोलते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षे तरुवर, गिरिवर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, माने उर माने हृदय, उर का अर्थ क्या है हृदय। तरुवर, तरुवर माने पेड़, उच्च आकांक्षाओं में माने ऊंचा उठने की कामना, माने ऊपर उड़ने की कामना, यहाँ पर अर्थ है और भी ऊपर जाने की इच्छा, और भी ऊपर जाने की इच्छा। गिरिवर के उर से उठकर उठ उठकर उच्च आकांक्षे तरुवर, तरुवर माने यहाँ पर पेड़ जो है, गिरिवर पर्वत के पर्वत से उर से माने उर से माने गर्भ से माने उसके हृदय से उठकर उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से, ऐसा लग रहा है कुछ वह चाहते हैं। हे झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेश अटल कुछ चिंतावर, है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेश अटल कुछ चिंता पर। नीरव नभ पर माने शांत आकाश में झांक रहे हैं, शांत आकाश में झांक रहे हैं, देख रहे हैं पेड़ शांत आकाश में देख रहे हैं। अनिमेश एक टल, एक टक माने ऐसे ही देखते टकते रह गए, माने देखते रह गए। इसका प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है। इसमें कवि ने किसके बारे में वर्णन किया है, झरनों की माने वॉटरफॉल्स की सुंदरता का वर्णन किया। देखना पिक्चर में, देखना कितना सुंदर दिखा रहा है ना, माने ये झरने जो है उसकी सुंदरता के बारे में यहाँ दिया गया। ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक सबके लिए समान है ना, उसी के समान इसको लिखना है और पाठ का नाम भी आपको लिखना है। अभी देखते हैं वाक्या। इस पद्यांश में कवि कहता है कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झर झर की आवाज करते हुए बह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हो, उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह अथवा प्रसन्नता भर देती है। देखिए इस पद्यांश में कवि क्या कहते हैं, मोतियों की लड़ियों के समान माने वो जो पानी की बूंदे गिर रहे हैं ऐसे लग रहा है कि मोतियों की लड़ियां माने पैरेंट्स के जो गार्लैंड है इस तरह से वह दिखाई दे रहा है।
झर झर की आवाज से, और उसके सांग कैसे साउंड कर रहे हैं, झर झर बोल के साउंड करते हुए नीचे गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं, माने झरझर का साउंड ऐसा लग रहा है कि वह पहाड़ों की शोभा के बारे में, पहाड़ों की सुंदरता के बारे में, पर्वत की प्रकृति की सुंदरता के बारे में गुणगान कर रहे हैं। मन उसको प्रेस कर रहे हैं कि माउंटेन ऐसे हैं, इस तरह से हैं, उसके बारे में गा रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि नस नस में, माने उनकी जो ध्वनि है, उनका जो साउंड है, नस नस में, अपने नस नस में, रोम रोम में क्या हो रहा है, उत्साह का प्रसन्नता भर देती है। उसको देखकर बहुत ही हमें उत्साह भर जाता है, बहुत ही उत्साह भर जाता है। और देखिए, पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर, पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एक टक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वे किसी चिंता में डूबे हुए हों। अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। और क्या बोले, एक तो पहले किसके बारे में बोले थे, झरनों के बारे में बोले थे ना, झरने के आवाज ऐसे लग रहा है जैसे वो प्रकृति की शोभा के बारे में गुणगान कर रहे हैं, प्रकृति के बारे में बोल रहे हैं, इस तरह से लग रहा था ना। और अभी देखिए अभी क्या बोल रहे हैं, और भी है, माने पहाड़ों के हृदय से, पेड़ जो है पहाड़ों के हृदय से उठकर ऊंचा उठने की इच्छा करें, और भी ऊंचा उठने की इच्छा करें, और एक ही टक दृष्टि से, एक ही स्थिर दृष्टि से, मैं ऐसे ही ताकते हुए शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं, पेड़ शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मानो वे किसी चिंता में डूबे, ऐसे लग रहा है कि वो कुछ सोच रहे हैं, पेड़ कुछ सोच रहे हैं। शांत आकाश की ओर देखकर पेड़ कुछ सोच रहे हैं। और इससे हमें क्या बताता है, क्या मॉरल मिलता है, हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं, हमेशा ऊंचा उठने की प्रेरणा, माने अपनी जो भी जो एम है उसके ऊपर वर्क करके, माने अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करने की, प्रयत्न करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये था तीसरा पद, अभी देखते हैं, अभी चलो चौथे पद में देखिए। चौथा पद, उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पर्वत के पर, रवशेष रहा गया है निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धंस गए धारा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कितना अच्छा से लिखे हैं, इसके मीनिंग देखिए बच्चों एक बार। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर, भूधर भूधर माने पहाड़, पारद के पार, पारद के पार एक ही वो देखना है, पारद के पार माने पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख, ऐसे लग रहा है कि पहाड़ के पंख आ गए हैं, वो भी शाइनिंग देने वाले पंख जो हैं आ गए हैं। अभी देखिए, रवशेष माने केवल आवाज कर रह जाना, केवल साउंड ही देते हैं, केवल साउंड ही देते हैं। हे टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसे लग रहा है कि अंबर जो है गिर जाएगा, अभी भूमि पर अंबर जो है गिर जाएगा। धंस गए धारा में सभल सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, सब भय भय के साथ, सब भय माने भय के साथ, शाल शाल माने यह क्या है, वृक्ष, एक वृक्ष का नाम शाल, माने यहाँ पर एक वृक्ष का नाम है। डर कर भूमि में धंस गए कि अंबर ऊपर से गिर ना जाए, इसके डर से वह भूमि में धंस गए। क्या है, शाल जो है माने पेड़ जो है भूमि में धंस गए। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, वो
क्लाउड्स का जो माने स्नो से क्या हुआ है, वह पेड़ों को कवर कर दिया, पेड़ों को कवर कर दिया है। इसकी सुंदरता को कवि क्या बोल रहे हैं कि वह भूमि में धंस गए हैं। देखिए, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जलद यान बादल रूपी विमान, जलद यान माने बादल रूपी विमान। क्लाउड्स देखना कभी कभी क्लाउड्स यहाँ से माने क्लाउड जो एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, नहीं ना, वो मूव होते ही रहते हैं। वो ऐसे लग रहा है कि बादल रूपी विमान है, वह है एक विमान है, बादलों रूपी विमान है। विचर घूमना माने इधर उधर घूमना। इंद्रजाल जादूगरी, यह लग रहा है कि एक इंद्रजाल है कि क्लाउड्स जो है क्लाउड्स के ऊपर चढ़कर इधर उधर घूमना जो है वह एक इंद्रजाल है। इसका प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने बारिश के कारण प्रकृति का बिल्कुल बदला हुआ रूप दर्शा है। इसमें बारिश के कारण बादलों से गिरी हुई जो बारिश है उसके कारण प्रकृति की शोभा किस तरह से बढ़ गई है, प्रकृति में किस तरह का बदलाव आ गया है, इसके बारे में बताया गया है। ये पहले के जो है लाइन जो है कॉमन है ना बच्चों, व्याख्या देखना। इस पद्यांश में कवि कहता है कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पहाड़ कहीं उड़ गए हो, अर्थात गायब हो गए हो। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है। देखना यहाँ पर क्लाउड जब ज्यादा हो आए तो क्या होगा, पूरे माउंटेन्स को कवर कर देते हैं ना, पूरे माउंटेन्स को कवर कर देते हैं ना, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। माने ये माउंटेन्स की वजह से, माने ये बारिश की वजह से ऐसे लग रहा है कि पूरे माउंटेन्स जो है गायब हो गए हैं, पूरे माउंटेन्स जो है गायब हो गए, कहीं चले गए हैं। और सिर्फ हमें झरनों की आवाज़ सुनाई दे, सिर्फ हमें क्या है वो वाटरफॉल का साउंड जो है वो सुनाई दे रहा है, लेकिन पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाम के पेड़ डर कर धरती के अंदर धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसे लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम घूम रहा है। माने हेवी बारिश, बहुत सा रेन गिरने के कारण क्या हो रहा था, क्लाउड्स तो माउंटेन्स दिखाई नहीं दे रहे थे, झरने का साउंड सुनाई दे रहा था, और इसके डर से क्या हुए थे, जो शाल रूपी पेड़ है वह ऐसे लग रहा है कि भूमि के अंदर धंस गए। माने यहाँ पर भूमि के अंदर धंसना माने क्या है, क्लाउड्स की वजह से वो पूरे पेड़ों को ही, माउंटेन को ही कवर कर दिया, मीन्स माउंटेन के ऊपर जो पेड़ है वह भी कवर हो चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लगी, क्योंकि पूरा धुआं ही धुआं है। यहाँ पर धुआं का अर्थ क्या है, हेवी रेन गिर रहा है, उसमें है ना हवा है, इसके वजह से ऐसे लग रहा है कि जैसे धुआं है। ऐसे लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी, लॉर्ड इंद्र भी क्या कर रहे हैं, अपने बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर घूम रहे, जादू कर रहे हैं, ऐसे इस तरह से लग रहा है। यहाँ पर आपको प्रकृति की सुंदरता के बारे में सुमित्रानंदन पंत ने बहुत सुंदर से वर्णन किया है।